नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरिजन में आपका स्वागत है। आज हम दो जुड़वा भाई यानी कि रेनो डस्टर और निसान टेरेनो की तुलना करेंगे। क्या दोनों गाड़ियों की कीमत, फीचर्स, पिकअप, माइलेज में कोई फर्क है? अगर है तो दोनों में से कौन सी गाड़ी में कम दाम में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं? किस गाड़ी के इंटीरियर ज्यादा आकर्षक लगते हैं? किस ब्रांड की आफ्टर सेल्स बेहतर है? ये जानने के लिए देखते रहिए कार कंपेरिजन का टेरेनो वर्सेस डस्टर कंपेरिजन वीडियोस। हमारे आने वाले वीडियोस का आपके मोबाइल पे तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। डस्टर के टॉप एंड टू व्हील ड्राइव मैनुअल गियर डीजल RXZ 110 की कीमत है 14,20,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली। टेरेनो के टॉप एंड डीजल मैनुअल मॉडल XV प्रीमियम की कीमत है 16,00,000 रुपए, जो डस्टर से 1,80,000 रुपए महंगी है। लेकिन इतनी महंगी होने के बावजूद टॉप एंड टेरेनो में पार्किंग कैमरा और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये दो फीचर उपलब्ध नहीं जो डस्टर RXZ में मौजूद है। टेरेनो XV प्रीमियम में बस एक ऐसा फीचर है जो है लेदर सीट्स, जो टॉप एंड डस्टर में उपलब्ध नहीं। डस्टर और टेरेनो दोनों में डीजल ऑटोमेटिक मॉडल्स भी उपलब्ध है जो मैनुअल मॉडल से सिर्फ 60,000 रुपए महंगे हैं। डस्टर डीजल के टॉप एंड वेरिएंट में 4x4 मैनुअल मॉडल भी उपलब्ध है जो 4x2 मॉडल से 1,50,000 रुपए महंगा है। टेरेनो में 4x4 मॉडल उपलब्ध नहीं। डस्टर के RXL पेट्रोल मॉडल की कीमत है 10,00,000 रुपए, जो टेरेनो के XL पेट्रोल मॉडल से 60,000 रुपए सस्ती है। डस्टर में पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल भी उपलब्ध है जो है RXS CVT वेरिएंट, जिसकी कीमत है 11,00,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली। अब हम बात करते हैं माइलेज की। डस्टर के 85 हॉर्स पावर डीजल का ARAI माइलेज है 19.9 किलोमीटर प्रति लीटर, जो टेरेनो के 85 हॉर्स पावर मॉडल से आधा किलोमीटर प्रति लीटर कम है। डस्टर डीजल के 110 हॉर्स पावर वाले मैनुअल अथवा ऑटोमेटिक मॉडल का ARAI माइलेज है 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर, जो टेरेनो के 110 हॉर्स पावर वाले मैनुअल मॉडल से आधा किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर है और ऑटोमेटिक से बिल्कुल समान। डस्टर के 4x4 मॉडल का ARAI माइलेज है 19.7 किलोमीटर प्रति लीटर, लेकिन हमारे विश्लेषण के दौरान दोनों गाड़ियों का माइलेज बिल्कुल समान पाया गया है। अब हम बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। दोनों गाड़ियों में रेनो का मशहूर K9 के डीजल इंजन मौजूद है। 1500 सीसी का ये इंजन दो विकल्पों में उपलब्ध है, 85 हॉर्स पावर और 110 हॉर्स पावर। 110 हॉर्स पावर वाले मॉडल का पिकअप काफी तेज है, लेकिन उसमें 85 हॉर्स पावर वाले मॉडल से ज्यादा टर्बो लैग है, यानी कि कम RPM पे उसका पिकअप काफी कमजोर लगता है। इसके विपरीत 85 हॉर्स पावर वाले मॉडल में 1500 RPM से टर्बोचार्जर घूमने लगता है। इसी वजह से शहरी सड़कों पे 85 हॉर्स पावर वाला मॉडल चलाने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उसमें बार बार गियर बदलने नहीं पड़ते। स्मूथनेस के मामले में टेरेनो डस्टर से थोड़ी सी बेहतर है। अब हम बात करते हैं अंदरूनी जगह और कम्फर्ट की। टेरेनो के इंटीरियर्स डस्टर से ज़्यादा आधुनिक और उच्च श्रेणी के लगते हैं। अंदरूनी जगह के मामले में दोनों गाड़ियों में बिल्कुल भी फर्क नहीं। दोनों गाड़ियों में 5 यात्री और उनका सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। अगर आप डस्टर 4x4 मॉडल खरीदने की सोच रहे हैं तो ध्यान रहे, उसमें 4x2 मॉडल से लगभग 65 लीटर बूट स्पेस कम है। अब हम बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। दोनों गाड़ियों की चेसिस, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स में बिल्कुल भी फर्क नहीं। दोनों गाड़ियां हमारे देश की टूटी फूटी सड़कों के लिए बिल्कुल उचित है। वह गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को आसानी से सोख लेती है। उनका 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस कच्ची सड़कों के लिए भी पर्याप्त है। अगर आप डस्टर का 4x4 मॉडल खरीदते हैं तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस और भी 5 mm ज़्यादा है। मिट्टी और कीचड़ से भरी सड़कों पर वह टू व्हील ड्राइव मॉडल से बेहतर पकड़ बनाए रखती है। दोनों गाड़ियां मोड़ों पर अच्छी पकड़ और नियंत्रण दर्शाती है और तेज रफ्तार पर भी अपना संतुलन बनाए रखती है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। टिकाऊपन के मामले में डस्टर का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन टोयोटा, ह्युंडई या सुजुकी जितना नहीं। अधिकतर डस्टर ग्राहकों की छोटी मोटी समस्या परेशान करती रहती है। टेरेनो ग्राहकों में भी ऐसा ही अनुभव रहा है। सर्विस के मामले में भी रेनो और निसान की कारीगरी की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं। दोनों ब्रांड्स के देश भर में लगभग 200 से ज़्यादा सर्विस सेंटर उपलब्ध है, बट आपको ये देखना है कि किस ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके घर के नज़दीक है। लेकिन कॉम्पैक्ट SUV की मार्केट में मजबूत खपत है, जिसके कारण दोनों गाड़ियां सेकेंड हैंड मार्केट में अच्छी कीमत दिलाती है। अब हम बात करते हैं अंतिम निर्णय की। आजकल हर महीने लगभग 1200 सर्डर अब हम बात करते हैं अंतिम निर्णय की आजकल हर महीने लगभग 1200 डस्टर्स बिकती है और सिर्फ 250 टेरेनो।
उसका प्रमुख कारण है टेरनो की कीमत। वह डस्टर से लगभग 2 लाख रुपए महंगी है और उसमें डस्टर से फीचर्स भी कम है। दोनों गाड़ियों का पिकअप, माइलेज, कंफर्ट, पकड़ और संतुलन में कोई फर्क नहीं। इसके अलावा डस्टर में पेट्रोल ऑटोमेटिक और 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स भी उपलब्ध है जो टेरनो में उपलब्ध नहीं। दरअसल अचरज इस बात का है कि वह 250 ग्राहक भी ज्यादा पैसे देकर कम फीचर वाली टेरनो क्यों खरीदते हैं। इसलिए हमारी राय में रेनॉल्ट डस्टर इस तुलना की साफ साफ विजेता है। अगर आपको डस्टर या टेरनो की अन्य गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें, हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।